देखें हमारी नान खटाई कितनी परफेक्ट बनी है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं नान खटाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी तैयार कर लूंगी। तो फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम 1 कप घी का ऐड करेंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें 1 कप शुगर का डालेंगे। यहाँ पे मैं पीसी हुई शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 2 कप मैदे के डालेंगे, मैदा छान के डालेंगे। 1 कप मैंने डाल दिया है, अब दूसरा भी डाल देंगे, इसे भी छान लेंगे। अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, लेकिन इसे मैं अभी और मिक्स करूँगी। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको हम पीछे करेंगे और ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर रख देंगे। अब इसे हाथों की मदद से हम बड़ा करेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। इसकी मोटाई मैंने देखी तकरीबन 1/2 इंच तक रखी है। अब मैंने ये एक कुकी कटर लिया है, इसकी मदद से मैं इसकी कटाई करूँगी। ये देखें, इसी तरह से मैं सारी कटिंग कर लूँगी। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोबारा से इसको मैं प्रेस करूँगी। देखिए मैंने दोबारा से इसको फैला लिया है। अब मैंने ये वाला कुकी कटर लिया है, इसकी कटाई करेंगे अब। ये देखें मैंने हार्ट शेप का कटर लिया है, इसके साथ मैंने इसकी यूं कटाई की है। इसी तरह से सारी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारी दोनों ट्रे रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने अंडे की जर्दी ली है, इसके ऊपर मैं ब्रश करूँगी इसको। एग ब्रश कर लिया है मैंने, अब इसके ऊपर हम बादाम लगाएंगे। देखिए मैंने बादाम गार्निश कर लिए हैं। मैं आपको दूसरी ट्रे भी चेक करवाती हूँ। तो व्यूवर्स, अब मैं इसको बेक करूँगी ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे ही 15 मिनट के लिए मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। व्यूवर्स, हमारी दोनों ट्रे बेक हो चुकी हैं। अभी ये बहुत गर्म है, जैसे ही ठंडी होगी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार बेकिंग स्टाइल नान खटाई तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतनी ही टेस्टी हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।